सेंटर आई है टेस्ट दिया सही आया टेस्ट चेक भी नहीं दिखाओ याद है पूरा याद है इसका एक दफा रिवाइज करके टेस्ट दे दो मेरे सामने वेलकम बैक टू माय नाज रियल लाइफ ब्लॉग। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका सबको वेलकम है। लपा आप सबको खुश रखें। यहाँ पे मैं छोले दिखा रही हूँ जो कि मैंने रात में जो है लेट नाइट यानी कि बच्चे ट्यूशन गए हुए थे उससे के बाद मैंने सोचा क्या बनाऊँ और जो है यहाँ पे मैंने आटा गूंदने के लिए तशना निकाला। आपको पता है यहाँ पे बोरिंग का पानी है ना तो इसलिए जो है ना मेरे सारे बर्तन और ये सिंक जो है ना ये वाइट सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि साफ़ ही नहीं किया है। खैर यहाँ पर आटा निकाला और मुझे दो सबसे मुश्किल काम लगते हैं, एक तो बर्तन बार बार धोना और आटा गूंदना। आटा तो इतना गूंदता है अल्लाह कि बस बहुत ही ज़्यादा ही बरकतें हो रही हैं आटे में। तो यहाँ पे मैंने ताज़ा आटा गूंदा इसलिए कि मैंने आलू जो है ना मेरे पास सिर्फ 3 आलू पड़े हुए थे, वो भी बड़े वाले जो फ्राइज़ के होते हैं ना, मैंने उसको कट किया, कट करके बॉयल करने डाला क्योंकि मेरे पास आधा घंटा था, उसमें बच्चे आने वाले थे, मुझे फ़ौरन इन लोग को गर्म गर्म पराठे देने थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बच्चे कहते आलू की भुजिया बिल्कुल भी मत बनाइएगा और यहाँ पे मैंने सोचा आलू के पराठे दे दूँ क्योंकि ना इन लोग के छाले थोड़े कम तो हुए हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इतने कम नहीं हुए कि जो है ना ये लोग खा ना सकें। यहाँ गर्मा गर्म मैंने पराठे बनाए और बच्चे आते ही ज़्यादा बनाएगा इतने भूखे होते हैं कि बस। खैर खा के जाते हैं फिर भी जो है ना बच्चों को लगती है भूख। यहाँ पे आलू की मैंने चटनी बना रही थी, यानी कि जो मैंने बॉयल किए थे ना आलू उसी से मैंने हरी चटनी केचप और मसाला डाल के ना मैंने कहा लाइबा से कि इसको चटनी बनाओ और फ्राई कर लिया उसको चूल्हे पर। यहाँ पे बच्चे इतने खुश थे, इतने मज़े के आलू के पराठे बने थे गर्मा गर्म कि अनाबिया भी खुश हो रही थी। और थोड़ी देर बाद देखा तो ये अनाबिया मार्कर लेके बैठी है अपने नाखूनों पे, मुंह पर, हाथ पर, नोज़ पे, सब जगह जैसे ना मेहंदी नहीं लगाते वैसे लगा के बैठ गई और खुश हो रही हैं। देखे मैंने लगाई है नोज़ी पे, तो ये जो है ना हमारी जो छोटी है ना बहुत ज़्यादा बस कुछ ना कुछ करती रहती हैं और जो ये हमारी बड़ी वाली लाइब है इनको मारती रहती है। तो मैंने उसको डांटा कि हाथ नहीं उठाओ, बच्चों पे हाथ नहीं उठाते हो, लेकिन वो सुनती नहीं है दोनों बहनें आपस में। खैर यहाँ पे जो है ये लगी रहेंगे और मुझे तो बहुत क्यूट लगती है माशाल्लाह। खैर ये सबसे बड़ी टेंशन की बात ये है कि अब ईद ख़त्म हो गई, रमज़ान चलेगा, यहाँ पे जो है इनके फ़ाइनल पेपर शुरू हैं और मेरी टेंशन बढ़ती जाती है कि करना क्या है, समझ नहीं आ रहा होता ये लोग कर क्या रहे हैं। खैर ये लोग याद करते हैं भूल जाते हैं जो भी है। आज मैं इनको ट्यूशन नहीं भेज सकी थी क्योंकि जो है अब इनका लास्ट मंथ है इस ट्यूशन में भी और स्कूल का तो कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। यहाँ पे बच्चे परेशान हुए थे, भाई आप आते ही स्कूल से जो है कह रही ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, दोनों उसने सर पकड़ के बैठ गए कि जो है क्या है भाई हर वक्त। अब अनाविया खुश हो रही होती है इन लोग को देख देख के, अनाविया ने भी अपना सर पकड़ लिया कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। खैर मैंने इन लोग को बोला नाश्ता करो और जैसे ही पढ़ने बैठाऊँगी ना इन लोग को नींद आ जाएगी, तो मैंने सोचा इनको सुलाने का एक ही यही सही तरीका है कि एक घंटा सुलाना है तो इनको पढ़ने बिठा दो। पढ़ने बिठाया तो ये लोग सो गए दोनों और एक घंटे बाद फिर मैंने इनको उठाया और दोबारा पढ़ने बिठाया और अभी तक ये लोग पढ़ रहे हैं, यानी 6 बज गए इन लोग को पढ़ा रही हूँ क्योंकि फ़ाइनल टर्म है ना, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो याद करने वाली होती है और मैं याद करा रही हूँ। अब टेस्ट भी रोज़ डेली के मिल रहे हैं, वो टेस्ट भी याद हो रहे हैं और जो है ना थोड़ा सा अब्दुल वहाब जो है ना याद करना तो बैठे हैं तो याद हो जाता है लेकिन इतना तंग करते हैं ना कि बस लाइबा कर लेती है। लाइबा भी अब करने लगी है जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है, बस अल्लाह पाक इन लोग को कामयाब कर दे अच्छे नंबरों से। और जो है ना फिर मैं यहाँ किचन में आई तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, मैंने छोले जो रात में भिगाए थे वो मैंने बॉयल कर लिए थे सुबह, अब मैंने सोचा भी जल्दी जल्दी इन लोग को पढ़ाना भी है तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना इनको चावल बना के दे देती हूँ। भूख भी लगी थी, साथ पढ़ भी रहे थे बच्चे। और जो है ना ये मेरा लाइव आज का ब्लॉग है जो कि आज का दिन है। ये छोले आधे मैं रख रही हूँ फ्रीज करके क्योंकि इसका सालन वालन बन जाएगा या जो भी काम आएंगे काम आ जाएगा, क्योंकि ये आधा किलो छोले थे तो मैं इतने सारे तो नहीं डालूँगी और आलू वगैरह थे नहीं कि मैं चावल में आलू डाल दूँ। ये अब यहाँ हुए सारी सफाई अभी मैं करके बैठी थी, आज लेट सफाई हुई है मेरी, फिर मैंने बच्चों को पढ़ा रही थी इसलिए, फिर पढ़ाते पढ़ाते फिर मैंने खाना बनाया, खाना के बाद मैं ये बर्तन जो है सुबह नाश्ते के और अभी के जितने भी निकले वो सब धोऊंगी।
क्योंकि नाश्ता जो है ना यहाँ 2 बार होता है, एक सुबह मैं और ये करते हैं 11 बजे, और उसके बाद बच्चे आते हैं स्कूल से, उसके बाद एक प्रॉपर नाश्ता होता है बच्चों का। नाश्ता करने के बाद जो है ये लोग ट्यूशन और मदरसे पढ़ते थे, अब तो ये लोग घर में होंगे तो फल्ला कितना दिमाग खाएंगे। खैर यहाँ पे जो है बर्तन धुल रहे हैं, और बर्तन तो ऐसे बरकती होते हैं कि हर थोड़ी देर बाद बर्तन हो जाते हैं। अभी मैं क्लीन करके आई हूँ पूरा किचन, और इसके 5 मिनट बाद देखूँगी या तो गिलास या प्लेट या चमचा या कोई कप किचन में मौजूद होगा, हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो खैर ये बर्तन तो फल्ला, एक आटा रोटी बर्तन कितने मुश्किल काम है ना। मैं कहती हूँ कि खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना ये चीज़ें बार बार करना होता है। खाना तो एक दफ़ा बना लो और रख दो। है आप लोग को अगर मेरी वीडियो अगर आप लोग देखते हैं उसको फुल वॉच करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये देखें किचन क्लीन कर लिया है, यहाँ पे मैं स्लैब साफ़ है, बस मैंने अभी प्याज काटी थी ना तो उसके लिए मैं स्लैब साफ़ कर रही हूँ। और ये मेरा ड्रिंक जो कि मुझे मैं सुबह पीती हूँ तो मलंगे का, और जो है ना वो रखा हुआ था थोड़ा सा बचा हुआ, मैंने कहा अभी फिनिश कर लूँ, बहुत मुश्किल है ये भी पीना। तो खैर यहाँ पे अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, या फिर आपका वज़न बढ़ रहा है, या आपका पेट बढ़ रहा है, जो कि मेरा मेरे मैं थोड़ी सी हेल्दी हो रही हूँ क्योंकि हमने रमज़ान में बहुत हैवी हैवी चीज़ें खाई, यानी कि पकोड़े खा लिए और ब्रेड रोल खा लिए, ये सब ख़त्म करना है, इसकी चर्बी पिघलानी है। जो भी है आपका कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये आप तुख मलंगा पी सकते हैं, उसमें शहद और लीमू मिला के, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, तुख मलंगा पी रही हूँ। और जो है ना यहाँ पे मेरे चावल रेडी हैं, बस दम पे लगा दिए हैं, और यहाँ मैं बाहर जाके देखूँ कि कितना हुआ है इन लोगों का। ये लोग सीढ़ियों पे पढ़ रहे थे अभी कि मम्मा हमें अंदर, अब हम नहीं पढ़ रहे बाहर पढ़ते हैं, तो ये लोग बाहर जाके देखा तो ये देखेंगे, ये बैठी हुई लाइबा, ये बैठी हुई नाबी, और जो कि ये लोग कुल्फ़ी उसको खिला रहे हैं। मैंने इतना मना किया है इन लोगों को कि मत खिलाओ कुल्फ़ी, इस टाइम बारिश का मौसम है, अलग मौसम हो रहा है, और बच्ची बीमार हो जाए कुछ हो जाए तो मुश्किल तो माओ के लिए होती है। खैर ये बस मैं इससे पूछ रही थी कितना रह गया, तो कह रही बस होने वाला है, अब्दुल वहाब भी यही बोल रहे हैं। खैर उनसे सुनूंगी तो पता चलेगा। ये शाम का टाइम है और ये देखें बादल, अभी थोड़ा सा मैं ये देखें बादल बिल्कुल छाए हुए हैं, पता नहीं बारिश कब बरस जाए, वैसे भी वक्फे वक्फे से बारिश हो ही रही है और बहुत प्यारा सा मौसम। ये था मेरा आज का ब्लॉग, तो मैं इजाज़त लूँगी यहीं पर, अपना ब्लॉग को एंड करूँगी। आधे कपड़े सूख गए, आधे ये अभी तक पीछे लटके हुए हैं, सारा दिन कपड़ों में, सफाइयों में, कपड़ों वो खाने में, और फिर इन बच्चों को पढ़ाने में ही निकल गया। तो मुझे इजाज़त दें, मैं अब खाना खाऊंगी, बहुत भूख लग रही है, बस दम पे आने वाले चावल। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन का लाजमी बटन दबा देगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। टाटा, अल्लाह हाफिज़।